नमस्कार, आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं और सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप में आधार नंबर और ओटीपी मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करना है उसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिसमें कि आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी हमारे इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप हो या और भी आंगनबाड़ी से जुड़ी कोई नई अपडेट हो उसके बारे में वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो जैसे कि यहाँ पर बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, सिंपली हमको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो स्तनपान कराने वाली माता हो या फिर कोई भी यहाँ पे जो मॉड्यूल दिखा रहा है, सभी में ये वाला साइन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो साइन दिखा रहा है, आप सभी लाभार्थियों को मोबाइल नंबर और आधार नंबर अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे दो लाभार्थियों का मोबाइल नंबर नहीं, अभी सिर्फ आधार नंबर ही अपडेट किया है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का साइन दिखा रहा है। तो आप सभी लोग कैसे इसको जो अपडेट है उसको करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे किसी भी लाभार्थी पे हम लोग क्लिक करेंगे जो एरो का निशान दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने लाभार्थी का जो आधार नंबर है वो उसको वेरीफाई कर दिया है और अभी फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं किया है। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगा कि आधार नंबर और फ़ोन नंबर कैसे वेरीफाई करते हैं। तो जैसे कि किसी भी लाभार्थी का आधार और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जो एरो का निशान दिखा रहा है इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आधार अनवेरीफाइड है, यहाँ पे कह रहा है कि वेरीफाई नाउ, तो वेरीफाई नाउ पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सिंबल दिखा रहा है, प्लीज़ इंटर डिटेल्स एज पर आधार, यानी कि आधार पर जिस प्रकार से नाम है, आधार नंबर है, जन्म की तारीख है, आपको मिला लेना है कि जो भी हमने आधार पे नाम, जन्म तारीख और आधार संख्या डाला था वो एकदम सही है। अगर सही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे नीचे वाले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट का, सबमिट वाले पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सब कुछ सही रहता है तो यहाँ से आप लोग इसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही यहाँ पे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट हुई, यानी कि इनका आधार अपडेट हो गया। यहाँ पे अभी थोड़े देर के बाद यहाँ पे जो ग्रीन कलर का साइन है वो यहाँ पे दिखा देगा, तो कुछ देर का टाइम लगता है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आइए हम आपको एक लाभार्थी का फ़ोन नंबर अपडेट करके दिखाते हैं कि उसको आप लोग किस प्रकार से अपडेट कीजिएगा। तो फ़ोन नंबर कैसे वेरीफाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए 6 महीने से लेके 3 साल वाले बच्चे की लिस्ट ओपन कर लिया हूँ। आप किसी भी लाभार्थी में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बच्चे का एक मोबाइल नंबर अपडेट करके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से अपडेट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक लाभार्थी का जो मोबाइल नंबर है उसको अपडेट करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि इस वाले बच्चे पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो फ़ोन नंबर अनवेरीफाइड है यहाँ पे वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूँ, तो वेरीफाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, जिस जो कि आपने लाभार्थी ऐड करते समय उसके माता पिता या उसके घर का मोबाइल नंबर डाला होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद शो हो जाने के बाद यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दे रहा है, आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही इस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जैसे कि तो देखिए ओटीपी किस प्रकार से जाएगा, जो भी लाभार्थी होंगे उनको पहचान करने में नहीं आएगा, तो आप लोग देखिए इस प्रकार से जो भी ओटीपी जाएगा वो समझिए कि पोषण ट्रैकर ऐप से ओटीपी भेजा गया है। तो आपको यहाँ पर 4 डिजिट वाला जो एम पिन करके जो 4 डिजिट का नंबर दिया गया है उसको लाभार्थी के मोबाइल से निकाल के वहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वहाँ से ओटीपी निकाल के
आपको यहाँ पे OTP दर्ज कर लेना है। आप उस लाभार्थी के मोबाइल से OTP निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए वेरीफाई वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे कर दे रहे हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या शो हो रहा है देखिए, यहाँ पे मोबाइल वेरीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मोबाइल वेरीफिकेशन देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अभी अनवेरीफाइड दिखा रहा है, थोड़ा सा सर्च करेगा उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। इसी प्रकार से आप लोग किसी भी लाभार्थी का, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी गर्भवती महिला हो, चाहे स्तनपान कराने वाली माता हो, किसी भी लाभार्थी का आप इसी प्रकार से OTP वेरीफाई, फ़ोन नंबर वेरीफाई कर सकते हैं OTP के द्वारा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को OTP और मोबाइल वेरीफिकेशन, आधार वेरीफिकेशन के बारे में समझा दिया है, अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ समझने में परेशानी हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन बताने का कोशिश करूँगा।